अब खबर है चिमूर तहसील से, जहां नेरी के सुशांत इंदोरकर ने मानद आचार्य पदवी लेकर तहसील ही नहीं बल्कि जिले का नाम रोशन किया। सुशांत इंदोरकर को किस कारण और किस जगह इस पदवी से सम्मानित किया गया, देखते इस खबर में। चिमूर तहसील के नेरी जैसे ग्रामीण भाग में 3 दशकों से कुंग फू कराटे का प्रशिक्षण वर्ग असिस्टेंट ग्रैंड मास्टर शिफू सुशांत इंदोरकर यह चला रहे हैं। उनके कार्यों की दखल लेते हुए इंडियन एम्पायर यूनिवर्सिटी व यूनिवर्सल डेवलपमेंट काउंसिल के संयुक्त विद्वान से शनिवार को तमिलनाडु के होसुर में हुए पदवीदान समारोह में उन्हें मानद आचार्य की पदवी से सम्मानित किया गया, जिससे पूरे तहसील के साथ जिले का नाम रोशन हुआ है। चिमूर तालुका का अनेक लोगों ने शैक्षणिक क्षेत्र तथा क्रीड़ा क्षेत्र में नाम रोशन किया है। शाओलिन कुंग फू इंटरनेशनल इस नाम से एक बड़े जिद्द मेहनत तथा आर्थिक अड़चनों पर मात करते हुए 1997 से नेरी के क्रीड़ा प्रकार के मार्शल आर्ट के कुंग फू कराटे का प्रशिक्षण वर्ग सुशांत इंदोरकर चला रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य तथा विभाग स्तर पर स्वर्ण पदक के साथ रजत तथा कांस्य पदक भी उन्होंने मिलाया है। कुंग फू के उनके तंत्र तथा कौशल को देखते हुए राष्ट्रीय पंच का उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ है और उन्होंने नेरी परिसर से अभी तक सैकड़ों खिलाड़ियों को यह पाठ पढ़ाया है और इन खिलाड़ियों ने भी विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक के साथ अन्य पदक जीते हैं। ग्रामीण भाग में रहते हुए जिस प्रकार का आवश्यक साधन होना चाहिए वैसा न रहने के बावजूद स्वयं की हिम्मत पर तथा परिवार के उधर निर्वाह के लिए लगने वाले खर्च से तथा कभी मित्रों से आर्थिक मदद तो कभी कर्ज लेकर विद्यार्थियों के साथ स्वयं स्पर्धा में भाग लेकर उन्होंने अपना कौशल दिखाया और इस प्रकार सुशांत इंदोरकर के मार्शल आर्ट के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए यूनिवर्सल डेवलपमेंट काउंसिल ने मानद आचार्य पदवी देने की सिफारिश इंडियन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को की और जिस पर सीनेट सभा में मुहर लगाई गई। और वहीं 23 अप्रैल को कुलगुरु, उपकुलगुरु, राज्य के क्रीड़ा मंत्री, पुलिस अधिकारी तथा अन्य मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित पदवीदान समारोह में सुशांत इंदोरकर को मानद आचार्य पदवी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने पर IEU के डॉक्टर भार्गव गोटी, ग्रैंड मास्टर शिफू इंद्रजीत चेन्नई, ग्रैंड मास्टर वी सुरेंद्र केरला, इन्होंने प्रत्यक्ष मिलकर उनका अभिनंदन किया है। CTV भी उनकी सफलता पर उनका अभिनंदन करता है। CTV हमारे विशेष प्रतिनिधि बाल साथ की रिपोर्ट।